नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। खबर छतरपुर जिले के बमीठा इलाके से, जहां एनएच पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। डामर से भरा हुआ था यह ट्रक और उस डामर की चपेट में जहां क्लीनर झुलस गया, वहीं ट्रक का ड्राइवर ट्रक में लगभग 3 घंटे तक फंसा रहा। तो हादसा हुआ छतरपुर पन्ना मार्ग पर NH 39 बमीठा चुरानन के बीच में। डामर से भरा एक ट्रक पलट गया और उस ट्रक में क्लीनर जो था वह सुनील सिंह, उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है, जो गंभीर रूप से गरम डामर की चपेट में आकर झुलस गया था, जिसको सूबेदार SP यादव के द्वारा अपने वाहन से छतरपुर जिला अस्पताल पहुँचाया गया। उधर जो ड्राइवर प्रेमपाल था वह बुरी तरीके से ट्रक में फंसा हुआ था। पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकालने की कोशिश की गई और इसके बाद इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर 1.5 घंटे की लगभग कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित तौर पर निकाला गया। तो पुलिस और इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड टीम के संयुक्त प्रयास से दोनों की जान बच सकी। ये जैसे ही हमको खबर मिली है बमीठा थाने इंचार्ज के द्वारा, ताकि हम लोगों ने तुरंत मूव किया और यहाँ पे टर्न आउट लिया और आते ही साथ हमने रेस्क्यू वर्क आरम्भ किया, जो करीब 1 से 1.5 घंटे तक हम लोगों ने रेस्क्यू वर्क किया और ड्राइवर को सही सलामत निकाल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया। कार्यक्रम के बारे में बताएं क्या हुआ कल सुबह? थाना प्रभारी के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर नेशनल हाईवे पर एक टैंकर पलट गया है, जो डम्बर लेके आ रहा था, तो उसमें 2 लोग फंसे हुए हैं। तो तत्काल यहाँ मौके पर बमीठा थाने की पुलिस पहुँची और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फायर ब्रिगेड से कॉन्टेक्ट किया गया। तो सभी लोग यहाँ पर आ गए, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विशेष योगदान रहा, जिससे दोनों ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया और अब ड्राइवर सुरक्षित हैं। कई 3 घंटे की उन्होंने काफी मेहनत।